यहां से ही हमने अपनी राजनीति सीखी और हमारी राजनीतिक सभ्यता बनी। आपकी जागरूकता ने बार बार हमें दिशा दिखाई, आपकी जागरूकता ने देश में संदेश भेजा। आज मैं आपसे एक चीज मांगने आई हूं कि यहां जो राजनीति स्थापित हुई वो आपके पूर्वजों ने, मेरे पूर्वजों ने यहां स्थापित की, एक मजबूत रिश्ता बनाया, पूरे देश को दिखाया कि विकास होता है तो ऐसा। जब नियत होती है, नीतियां सही होती हैं, तो सरकार क्या नहीं कर सकती है। तो आज मैं ये मांगने आई हूं कि ये मेरे पिता की कर्म भूमि है, इसी भूमि के यही के सांसद थे जब शहीद हुए, मेरे लिए पवित्र भूमि है। मैं ये मांगने आई हूं कि यहां वही राजनीति फिर से स्थापित करो जो आपके लिए काम करके दिखाए। अपना भविष्य बनाओ। टीवी में वो दिखता है वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई जो जी रहे हो वो सच्चाई है। ये जो महिलाओं का संघर्ष है ये सच्चाई है। जो किसान रात को अभी मेरा भाषण सुन के जाके खेत में बैठेगा पहरेदारी करने के लिए, ये सच्चाई है। जो दुकानदार भी कमा नहीं पा रहा है, ये सच्चाई है। जो मजदूर कम दिहाड़ी पा रहा है, जिसका शोषण हो रहा है, ये सच्चाई है। मोदी जी की चमकती हुई सच्चाई नहीं है आपकी सच्चाई। आपके जीवन में तरक्की नहीं आई है 10 सालों में। आपकी सांसद चीखती है, चिल्लाती है, बहुत झूठ फैलाती है। एक काम बता दें बड़ा जो यहां के लिए किया है, एक काम बता दें। बता नहीं पाएंगी। जब काम किया नहीं है तो क्या कहेंगी। तो एक ऐसी राजनीति वापस लाइए अपने क्षेत्र में और यहां से पूरे देश भर में संदेश दीजिए। किशोरी लाल शर्मा 40 सालों के लिए आपकी सेवा की उन्होंने। जिन दरख्वास्तों की मैं बात कर रही थी, जितने दरख्वास्त मिले सब इनको देते थे। किशोरी भैया जाके देख लो, उस महिला जो महिला आई थी मेरे पास उस मीटिंग में, उसका क्या किया, मदद की, उसका संकट था उसको दूर किया। किशोरी जी जाते थे गांव में, गांव गांव जानते हैं, गली गली जानते हैं, चेहरा चेहरा पहचानते हैं। आपके लिए श्रद्धा से काम करेंगे, घमंड से नहीं, अहंकार नहीं दिखाएंगे। आपकी सुनवाई होगी, आपके यहां एक सच्ची राजनीति वापस आएगी और पूरा देश देखेगा कि देखो हम इसी ने सही निर्णय लिया। तो मैं सिर्फ आपसे आग्रह करती हूं कि मेरी बातों पे ध्यान रखना। पोलिंग 20 तारीख को है, जब पोलिंग में जाएंगे कार्यकर्ता भाई बहन भी हैं, आप लोगों को उत्साहित करिए, ले जाइए पोलिंग पे, भारी से भारी बहुमत से किशोरी जी को जिताइए। हमारे परिवार के सदस्य समान हैं, हम सब आपकी सेवा करेंगे। राहुल जी, मैं, किशोरी जी और मेरी माता जी भी जितना कर सकती है करेंगी।